हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं व्लॉगिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दीदी का बर्थडे 2nd of July है एंड आज उसका बर्थडे, और अभी तक दीदी मेरे साथ नहीं है। अभी शाम के 3:45 हो चुके हैं और दीदी साथ में नहीं है। वो अब यूनिवर्सिटी हॉस्टल से आ रही है और वो पता नहीं कब तक पहुंच जाएगी। पहले उसका था वो दिन में आएगी, बट फिर मैंने सोचा था कि हम कहीं बाहर जाके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब वो इतना लेट पहुंचेगी, कोई 6-7 बजे। तो अब हम घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे। तो लास्ट पॉइंट पे मैं थोड़े से डेकोरेशन का सामान लाई हूँ उसके लिए और केक लाई हूँ, पर ऐसे मैंने कुछ सोचा भी नहीं था। लिटरली मैं तो कॉम्बिनेशन भी ऐसा करके लाई हूँ ना जिसका कोई कॉम्बिनेशन ही ना हो। ऐसा तो सोचा नहीं था कि डेकोरेशन वगैरह करूँगी, क्योंकि वहाँ पे दीदी की फ्रेंड्स ऑलरेडी उसे केक कटवा चुकी थी सुंदर डेकोरेशन करके। बट फिर मैंने सोचा था कि ये सब मैं नहीं करूँगी, अब हम बस बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे और अच्छे सेलिब्रेट करेंगे वहाँ पे। ये आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कल इसके बारे में सोचेंगे। और दीदी को कुछ काम आ गया था इसलिए वो सुबह नहीं आ पाए। तो हमारे यहाँ पर बर्थडे पूजना इज मोर इम्पोर्टेंट देन पार्टी करना। तो अब नक्षत्र होता है ना उसमें पूजेंगे, मतलब कल भी पूजा कर सकते हैं बर्थडे की। तो या अब मेरा बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि मैं अभी सेंट जॉन्स आई हूँ, थक चुकी हूँ। अरे अब हम ब्लॉग शुरू कर ही चुके हैं तो फिर क्या जो डेकोरेशन देर देंगे, ये किसी का डिनर भी बनाने में मम्मा की हेल्प करूँगी कि एकदम से मम्मा पे बहुत प्रेशर हो जाएगा, इसलिए आप मुझे दादी हंसी इसके बारे से दिखाओ। हाय दादी, लाई हूँ मैंने। ठीक है, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ और मैं आपको बताऊंगी आज दीदी का बर्थडे कैसे रहेगा। मेरे पास कौन है? हिमांश शर्मा। शर्माता है ये व्लॉग में आने से पहले के साथ। दीदी मेरे को भी लो, मैं ही करूंगा एंडिंग। तो अब बड़ा हो रहा है ना ये। क्या दीदी, क्या दीदी का व्लॉग? तो मैं अब तो मैं तो आऊंगा ही नहीं, अब तो बस बन चुका हूँ। ऐसे हो जाते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तभी अच्छा लगता है। बड़ा हो गए हाइट में, ये मेरे से भी बड़ा हो चुका। ठीक है, बहुत बड़ा हो चुका है मुझसे भी हाइट में, बहुत हो गया, इतना से बड़ा हो गया, फिर मुझसे हाइट में बड़ा हो चुका है। एंड ही इज जस्ट इन 7th क्लास। 7th क्लास में 5 फुट की, 5 फीट की थी मैं 7th क्लास में, और अभी मैं 5'4" की हूँ और ये 5'5" हो चुका है शायद से, है ना। और ये अभी 7th क्लास में आएगी, मस्त बढ़ेगा मेरे को लग रहा है। टचवुड बढ़ना चाहिए लंबे। दादी अब बोलो, दादी बोलो ना, मेरी पोती का व्लॉग लाइक करो। क्या बोलना, ऐसे बोलो लाइक करो, वीडियो लाइक करो, वीडियो लाइक करो, मेरी पोती की, मेरी पोती की। क्या बात, बना रही हूँ चिली पनीर। ये इतना सारा काट दिया है, भाई ये पता नहीं कौन से कॉम्बिनेशन बनाया है उन्होंने, सिल्वर ब्लू। वैसे तो बेडशीट भी ऐसी है और पर्दे भी ऐसी है। वाओ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday.
खत्म नहीं हुई है नहीं अब जब ले आए तो लेना तो है बैठो बैठो सब बैठो बैठो ना इसको वीडियो कॉल करेंगे थोड़ी देर में बोलियो सो ना मत सारे निकल जाएंगे दादी आ जाओ ना जल्दी आओ दादी चुपचाप से आ जाओ यार जहाँ तो लाना होता है हार्ट अटैक में एक मिनट ले लाया हुआ कहीं दीदी लड़ रही थी मेरे से पूरे रास्ते में है ना मैं भी सोच रही थी रखनी चाहिए ऐसे कौन करता है राम तो खुल भी और कहीं खा दिया नहीं अरंजलि दीदी ने 5 सेकंड में पैक किया ही है ये चीजें खोलनी पड़ेगी पहले प्लास्टिक खोलना पड़ेगा मेरी सुनने से नहीं दीदी ऐसे नहीं लगता लग जाएगा ये प्लास्टिक खोलो देख लो बड़ा अब क्या करोगे इसका कचरा हो गया भाई एक हो गया भी मैंने खा लिया एक बज गया नहीं लिया ऐसा रहेगा तुम लोगों ने ना गलत डाल दिए थे ऊपर वाले इसमें जाना चाहिए यहाँ वही ना इसी जगह पकड़नी पड़ती है वहाँ से हमने ये बुलाया था वहाँ से नहीं होना था गलत जगह कोई पूरा जोर पूरा जोर शाबाश 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 पटाखे फूट रहे दीदी के बर्थडे के हाउ इज योर बर्थडे बताओ ना नाइस कैसे लगा आपको सबसे मिलके इतना टाइम के बाद बहुत अच्छा लगा सब लोग एक साथ जोर से बहुत अच्छा लगा सब लोग एक साथ मिले बहुत इंजॉय किया और भी कुछ लोग हैं जो साथ होने चाहिए थे पर नहीं है पर इट्स ओके नेक्स्ट फॉल क्यों बहुत लोग हैं ना प्रेषिता वगैरह भी नहीं है वगैरह रजत की
और भी बहुत लोग थे जिनको होना चाहिए था, मोस्टली पापा नहीं थे, मैंने पापा को बहुत मिस किया। और तो हैं और भी बहुत लोग जो होने चाहिए थे, पर जो आए थे उनकी कदर तो करो होने चाहिए थे। हाँ, अब जो आए थे जिन्होंने मुझे इतना टाइम दिया, स्पेशल समझा मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा अच्छा फील हुआ, मुझे अच्छा लगा, इमोशनल भी हुई मैं इंटरनली बहुत इमोशनल हुई। तो फिर कल आप हमें पार्टी देने ले जाओगे? हाँ जरूर, बिल्कुल। कहाँ ले जाओगे? जहाँ आपका मन करे। देखो मुझे जितनी बोलो, कौन से कैफे जाना चाहोगे आप? कौन से कैफे जाएंगे हम? डोमिनोज ही जाएंगे। नहीं, कहीं सुंदर सा कैफे। सुंदर सा कौन सा? और क्यों कैफे नहीं, और कौन सा? फिर ये वो शिमला टाइम्स के साथ वो है, सोल एंड लॉन्ज। देखिए हमें कैफे कर सकते हैं। मुझे शिमला से गए 9 साल हो चुके हैं। मुझे पता है, मुझे कैफे के बारे में पता है। थैंक यू। ओके बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। थैंक यू। बोलना था और मुझे बोलने कि खाना बहुत अच्छा बनाया था मेरी मम्मा ने, मेरी मामी जी ने, मेरी छोटे मामे, बड़े मामी ने, मेरी नेबर एंजल की मम्मा ने, महिमा ने पनीर बनाया था स्पेशली, तो सब कुछ ही बहुत टेस्टी थी। हिमांश ने पानी भी लाया था। हिमांश का सबसे टेस्टी खाना पानी, वो भी बहुत अच्छा गीला पानी लाया था। सबसे यूनिक आइटम।